पोल्ट्री प्लांट का उद्घाटन हो रहा है, इससे पहले कुछ था क्या? बड़ा बड़ा पुल पुलिया पहले कुछ था क्या? फोर लेन सिक्स लेन पहले कुछ था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? दरभंगा में एयरपोर्ट था क्या? विश्वविद्यालय केंद्रीय दो दो ठोक खुला है, ये था क्या? एम्स आपने क्वेश्चन किया, एम्स खुला था क्या? पार्टी में वंशवाद के सवाल में भाजपा सांसद पत्रकारों के सामने खोल दी मन की बात। उन्होंने राजद पे हमला करते हुए कहा, राजद पार्टी वंशवाद की राजनीति करती है, जिसके कारण हम जैसे कार्यकर्ताओं का जगह अपने बेटा बेटी को टिकट दे दिया जाता है और हमें बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाता है। राम कृपाल यादव ने आगे कहा, बिहार में अब बिजली पानी की समस्या नहीं है, अब बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना और कार्यक्रम के तहत बिहार में कई पैकेज की घोषणा की। बेरोजगारी बिहार की जनता का नहीं उठा रहा, अपनी बेरोजगारी का समस्या उठा रहा है। वो 15 साल से बेरोजगार है, हम तो बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। हम कृषि आधारित उद्योग लगाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए भारत की सरकार और राज्य की सरकार पैसा दे रही है, जमीन देने का काम कर रही है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ बहुत ऐसे चीज़ हैं जो इसका प्रोसेसिंग कर दें तो किसानों को ज़्यादा फायदा मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। तो मुख्य रूप से हमारा आज भी प्रदेश किसान पर किसानी पर निर्भर कर रहा है, उसके लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में काफ़ी आपको फर्क दिखेगा। सरकारी नौकरी की बात कर रहा है तो उसने अपने कार्यकाल में दिया 94,000 और हमने दिया अपने कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में 6,00,000 और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, समर्थन देगी और पुनः आदेश देगी 2/3 बहुमत से नहीं 3/3 बहुमत से सरकार बनाने का, क्योंकि हमने 15 साल में जो काम किया है, विपक्ष में बैठा हुआ लोग 15 साल में 15,000 वर्ष पीछे ठगलने का काम किया और हम उससे और उस अंधेरे से 15 साल में आगे निकाल करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया और बिहार को आगे बढ़ाना है। हम ये कह दें कि पूरा हम बढ़ गए हैं ऐसा नहीं मानते, हमने प्रयास किया है, उसके सार्थक पहल हुए हैं, पैसे दिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि उसका असर भी हुआ है कि आज लोगों को पानी बिजली की समस्या, सड़क की बिजली की समस्या नहीं रही है और आगे भी हम इस ओर प्रयास करेंगे। जो बेरोजगारी की जो समस्या मूल रूप से है उसका भी निदान हमारी सरकार केंद्र और राज्य की करेगी। वहीं NDA के गठबंधन सीट शेयरिंग के सवाल पे भाजपा सांसद ने कहा कि शेयरिंग का मामला समाप्त हो जाएगा और NDA 3/3 बहुमत के साथ आएगी। इस बार विधानसभा की चुनाव लोजपा, भाजपा और JDU एक साथ चुनाव लड़ेगी। चंद दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा, NDA पूरा इंटैक्ट होकर के लड़ेगी और 3/3 बहुमत के साथ पुनः हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और भाजपा, लोजपा सब इकट्ठे चुनाव लड़ेगी। कोई अगर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा होगा तो उनको निराशा होगी। प्रतिपक्ष को मौका अब बिहार की जनता देने वाले नहीं है, क्योंकि बिहार की दुर्दशा जिन लोगों ने किया है अब वो दुर्दशा में बिहार की जनता मौका नहीं देगी, नहीं आने वाली है। दरअसल भाजपा के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत राम कृपाल यादव एक दिवसीय दौरे पे मुंगेर आए, जिसके बाद वो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा भी किया और भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाया। यही मोदी जी की सरकार है, यही सरकार की है और यही सरकार आगे भी करेगी, क्योंकि मोदी जी को 12 करोड़ और 130 करोड़ देश की चिंता और 12 करोड़ बिहारियों की चिंता है और जितना काम हमने किया है इस 6 साल के दरमियान मोदी जी के कार्यकाल में, शायद हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद बिहार के लिए इतना किसी ने करने का काम नहीं किया है और हम प्रतिबद्धता के साथ, हम खजाना लूटने वाले लोग नहीं हैं, हम खजाना में खजाना को बचा करके गाँव गरीब किसान तक उस धन को पहुँचाने वाले लोग हैं विकास के माध्यम। हमारे मुंगेर में आदरणीय राम कृपाल जी का दौरा हुआ है और जैसा कि आप लोग जानते हैं चुनावी वर्ष है, चुनाव हमारे सर पे है और इसी के तहत NDA के द्वारा जो पूरे बिहार में काम हुआ है और जो लगातार विकास का काम चल रहा है और जो मुंगेर में भी कार्य प्रगति पे है, उसी की तरह ये दौरा पे आए हैं और यहाँ के जन जागरूक जागरूकता फैलाने आए हैं और जो विकास की गति है उसको और तेज बढ़ाने के लिए आगामी चुनाव में हम जो है भारी बहुमत से मुंगेर सहित पूरे बिहार में जीत दर्ज करें, इसके लिए वो दौरा करने आए हैं। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए
अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।